कोटा में सांसद पंकज चौधरी ने मॉडल शौचालय का किया उद्घाटन। सारे भारतवर्ष में एक साथ स्वच्छता मिशन अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज विकास खंड निचलौल के ग्राम सभा चटिया में एसएसबी के जवानों द्वारा निर्मित 4 कमरे का मॉडल शौचालय निर्माण का उद्घाटन महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद पंकज चौधरी के द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति रानी, प्रधानपति सत्येंद्र नाथ द्विवेदी उर्फ राजू बाबू, हीरा लाल गुप्ता, राजेश्वर त्रिपाठी उर्फ पप्पू बाबू, दुर्गा अग्रहरी, सचिंद्र नाथ द्विवेदी, ठूठीबाड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रिजनंदन सिंह मैटीम, लक्ष्मीपुर चौकी प्रभारी विनोद राय, एसएसबी के जवानों के अलावा तमाम जनपद से लेकर क्षेत्रीय स्थल तक के नेताओं के उपस्थिति में सांसद महोदय ने भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताई गई तथा स्वच्छता मिशन पर विशेष बल देते हुए सांसद पंकज चौधरी ने लोगों से अपील किया आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखें, जो कि देश साफ रहेगा तो तरक्की भी करेगा। शिक्षा स्वास्थ्य पर बल दिया। संबोधन के बाद ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति रानी ने सांसद जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम को मधुर बनाने के लिए महाराजगंज जनपद के विख्यात निराहा गायक श्यामदेव साहनी ने अपने गायन से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध करने का भरसक प्रयास किया। वहीं चटिया के ग्राम प्रधान ने सभी आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया और अपने ग्राम सभा के लोगों से अपील किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। महाराजगंज से इंडिया पावर न्यूज के साथ सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट। एसएसबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चल रहा है, उसी की प्रेरणा से एसएसबी के द्वारा चटिया में 4 सीट का शौचालय निर्माण कराया गया था। उसी के उद्घाटन के संदर्भ में मैं यहाँ पर आया था। बाकी मेरा दौरा तो अभी लखनऊ और विधानसभा क्षेत्र है और निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी जी ने स्वच्छ भारत का बीड़ा उठाया है उसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण रोल अदा करिए किनारे करिए क्या है वो बहुत दूर कर गए। 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, निर्णय लिया कि हर घर में हमें शौचालय बनाना है। बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा बीड़ा था। अब उसके लक्ष्य के करीब हम पहुंच गए। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी आई, गांव गली गली का सड़क बनवाना है ताकि गंदगी दूर हो पावे। अगर आप देखें या आपने 2 कदम उठाया, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में शौचालय दे रही है, मकान दे रही है, सड़क दे रही है और साथ में गरीब जब सबसे ज्यादा गरीब हो जाता है जब घर में बीमारी आई है। स्वच्छ भारत एक सरकारी धन समझते थे, उसका कहीं ना कहीं हर स्तर पर दुरुपयोग होता था। गांव के लोगों को प्रधान जी लोगों की सोच है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए भारत सरकार को देने के लिए। और आज ऐसी व्यवस्था बनी है कि 8
प्रधान जी लोग जनता के पीछे दौड़ रहे हैं कि जल्दी गड्ढा खनवाना, जल्दी शौचालय बना है कि नहीं है जी?